चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में इस घंटी को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि SBI कार्ड का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या इंटरनेट ब्राउज़र खोलना है और उस पर टाइप करना है SBI कार्ड। जैसे एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको SBI कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड सर्विसेज ऑनलाइन का ऑप्शन दिखता है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ओपन होता है तो आप SBI कार्ड की वेबसाइट खुल जाती है और आपको तरह तरह के ऑप्शन दिखने लगते हैं। SBI कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, बेनिफिट्स, पे ऑफर्स, रिवर्स अप्लाई, तो ये जो पेज है इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं इस पेज के थ्रू SBI क्रेडिट कार्ड की, और अप्लाई भी कर सकते हैं SBI क्रेडिट कार्ड। अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड आ गया है तो आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो कैसे करते हैं आइए इस वीडियो में जानते हैं। आपको सबसे पहले लॉगिन पे जाना है या फिर न्यू यूज़र रजिस्टर न्यू नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुलेगा आप, जो कि इस तरह से है। और यहाँ पे आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, कार्ड डिटेल्स और ऑथेंटिकेट OTP, क्रेडिट पासवर्ड। तीन स्टेप में काम करना है आपको। सबसे पहले आपको कार्ड नंबर एंटर करना है जो कि कार्ड के फ्रंट साइड में लिखा होता है, और 16 डिजिट का। और उसके बाद CVV नंबर एंटर करना है जो कि आपके कार्ड के पीछे होता है, 3 डिजिट का। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब आप कार्ड नंबर एंटर करें तो सही से एंटर करें, और CVV जो आप कार्ड के पीछे 3 नंबर का डिजिट होता है वही एंटर करें। और उसके बाद ही आपको एक ऑथेंटिकेट OTP जनरेट करेगा, जो कि आपको बाद में जैसे कि प्रोसीड किया तो यहाँ पे आपको आपके मेल आईडी पे, जो आपके जब आपने क्रेडिट कार्ड बनाया होगा उस पे मेल आईडी पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ये OTP सेंड करेगा। तो ये OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एंटर करते हैं और फिर प्रोसीड पे क्लिक करना है तो फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये देखते हैं, जैसे हमने प्रोसीड पे क्लिक करा पासवर्ड वेरीफाइड हो गया, यानी OTP वेरीफाइड हो गया है। और इसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज खुलेगा। इस तरह से पेज खुल गया है। देखिए, ये सबसे पहले हम पेज बोल रहा है कि कार्ड डिटेल्स, ऑथेंटिकेट OTP, क्रिएट पासवर्ड, यानी कि आप सबसे पहले यूज़र आईडी बनानी है। यूज़र आईडी में आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या फिर नाम डाल सकते हैं, और जो पासवर्ड है उसमें अल्फा न्यूमेरिक और डिजिट डालने होंगे। और उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करके कंफर्म पे क्लिक करना होता है। ध्यान देना कि यूज़र आईडी जो बनाना है उसे आप याद रखें, वो आपका मोबाइल नंबर भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक नहीं चलता, या तो मोबाइल नंबर डालेंगे या फिर नाम डालेंगे, यानी कि डिजिट या फिर वर्ड्स। और जो पासवर्ड होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो हमने फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है, और फिर मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। और जैसे ही कंफर्म करता हूँ तो एक और पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं कि कैसे आपको पासवर्ड बनाना है और कैसे उसको मेंटेन रखना है। और यहाँ पे लिखा आ गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, और मेरा नाम है, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI कार्ड ऑनलाइन। और ये बोलता है कि प्लीज़ लॉग इन अगेन विथ योर न्यू पासवर्ड टू डिस्कवर अ वर्ल्ड ऑफ कन्वीनियंस ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे सीधे लॉग इन पर क्लिक करेंगे और अपना SBI कार्ड अकाउंट ओपन करेंगे। उसके अलावा आप कुछ और जानेंगे जाते हैं तो सबसे पहले उसके पेज के नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन से मिल जाएंगे, फर्स्ट टाइम यूजर के लिए सिक्योरिटी टिप्स से मिल जाएंगी। आप डेमो भी देख सकते हैं और फ्लैक्सी पे के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप गूगल पे स्टोर से या एप्पल पे स्टोर से SBI कार्ड की एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।